हवा में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है पूरा साल। अब दिल्ली की हवा साफ रहने लगी है। हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर, 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलकर पिछले 5-6 साल के अंदर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से पूरा साल दिल्ली की हवा अब काफी साफ रहती है। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है, 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगेगी। 10 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक लगभग दिल्ली की हवा फिर खराब हो जाती है। और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। राज्य सरकारें कहती थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती थी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने से तो काम नहीं चलता ना, हमें समाधान निकालना है। और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पर विश्वास रखती है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है। ये बायो डिकम्पोजर क्या कहता है, पहले तो हम ये समझ लें कि पराली की समस्या क्या है। धान की फसल लगभग अक्टूबर के महीने में किसान काटता है। जो जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंठल कह लीजिए, तना कह लीजिए, उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे जमीन पर रह जाता है, इसको पराली कहते हैं। इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है, 20-25 दिन का समय मिलता है, उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है, तो समय बहुत कम होता है। इस समय के बीच में किसान को इस तने को, इस डंठल से मुक्ति पानी होती है, तो किसान क्या करता है, तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है, पराली सारी जल जाती है, खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेहूं की बुआई कर लेता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया, जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों ने क्या किया, दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया, सरकारें दोषी हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायो डिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में, 39 विलेजेस, 39 गांव में हमने 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया। इस बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तैयार हो जाती है दोबारा बुआई करने के लिए। इस डंठल को काटना नहीं पड़ता, इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता। इसके शानदार नतीजे आए। तो दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन सभी किसानों से बात की जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, सब बेहद खुश थे। फिर हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने एक एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है केंद्र सरकार ने, प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए। तो हमने एयर क्वालिटी कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की, हमने कहा भाई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है। जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों की मुफ्त, सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायो डिकम्पोजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आस पड़ोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करें। तो एयर क्वालिटी कमीशन ने कहा भाई आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराओ। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की एक एजेंसी से कहा, वेबकॉस। वेबकॉस केंद्र सरकार की एक संस्था है, हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वेबकॉस एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसको कहा कि आप इसका ऑडिट कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है क्या ये अच्छा है, इसके क्या नतीजे हैं। वेबकॉस की अब रिपोर्ट आई है, उन्होंने पूरी अपनी जांच कर ली है, सारे उन्होंने जांच लगभग
चार जिलों के 15 गांवों में जाके उन्होंने 79 किसानों से बात की, और 79 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने लिखा है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। 90% किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं की फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी, बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया, फायदा हुआ बहुत। खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40% तक ज्यादा मात्रा बढ़ गई, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई, और तो 40% तक वृद्धि हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा 24% तक बढ़ गई जमीन उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया, जो मिट्टी थी मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया, और फंगस जो है जो कि फायदा पहुंचाती है फसलों को वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरण 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने यह स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे वो घटके 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई, मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी, और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आस पड़ोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहां की राज्य सरकारें भी बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चालू करें, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाधित करे कि वो भी करें। केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो कर सकते हैं, अब तो समाधान आ गया, अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे किसानों के बायोडिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए, इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है, वो फ्री में छिड़काव कराए सारी राज्य सरकारें, और अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, अब कम से कम हम लोगों को सब लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट लेके मैं एक दो दिन में समय लेके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में दखल अंदाजी करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।